आज हम आपके बीच में सिरोही पहुंचे हैं। अब जालौर से होते हुए सिरोही पहुंचे हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना द्वारा आने वाली 2 अप्रैल 2023 को केसरिया महापंचायत की जा रही है जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में, उसका पोस्टर विमोचन करवाने के लिए। और यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, तहसील लेवल की टीम है, उन सब की गाड़ियों की उनकी जुम्मेवारी लगाने के लिए। ये केसरिया महापंचायत करने की नौबत क्यों आई? ये इसलिए आई कि हमारी मांग है प्रमुखता से क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का गठन हो। EWS 10% है, उसको बढ़ाकर 14% किया जाए। जो सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं उनको पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव में भी आरक्षण का लाभ दिया जाए, जैसे OBC को दिया जाता है उसी तर्ज पर। और इसके साथ साथ सवर्णों की राजनीति में भागीदारी घटती जा रही है, तो चाहे जातीय जनगणना करवा ले सरकार, हम 1,35,00,000 राजपूत हैं। अब की बार कोई भी सरकार बने पर राजपूतों के गलियारे से ही होकर के गुजरना पड़ेगा, ये सरकार इस बात को ना भूले। क्षत्रिय समाज की, सवर्ण समाज की अनदेखी हर गवर्नमेंट करती आई है और कर रही है। हम ये चाहते हैं केंद्र सरकार ने ये जो 10% EWS दिया है इसको 14% करें और इसका सरलीकरण करें। केंद्र की भर्तियों के अंदर हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने जमीन मकान प्लाट की शर्त लगा दी, अड़ा दी। तो वो हम चाहते हैं राजस्थान की तर्ज पर, मध्य प्रदेश की तर्ज पर, गुजरात की तर्ज पर, पूरे भारत से केंद्र भी ये हटाने का काम करे, जमीन मकान प्लाट की शर्त, इसमें EWS का सरलीकरण किया जाए। 8,00,000 रुपए क्राइटेरिया तय राजस्थान सरकार ने कर रखा है, इसी तरह केंद्र सरकार भी करे केंद्र की भर्तियों में। ये हमारी प्रमुखता से वहां मांग रहेगी। सर ये हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूं भाई, जो सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं, सवर्ण आर्थिक पिछड़े मतलब EWS धारी हैं, उनको पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव में आरक्षण दिया जाए, ये हमारी इसमें प्रमुखता से मांग है।